कल की सुदशा व्रत समस्त व्रतधारी सुदशा व्रत पालन करेंगे। पुराणा व्रतधारी सुदशा व्रत पालन करेंगे से सुदशा व्रत बही पढ़ा पड़ो तो क्या पाखे बही अच्छी कि ना पाखे बही बहुत पुराणा हो जाए देखा जा नही बाहर रोते पाखे भी किसी जदि बही नण जनकर भी आखि प्रोब्लेम था देखा जाऊनि तो से कथा को भाविक मुझे भाविली संपूर्ण बही सुदशा व्रतर संपूर्ण पुराण कथा पढ़ी शुणे। नमस्कार, जय श्री जगन्नाथ। ओडिशा डिलेट्स को आपण समस्त स्वागत। आज वीडियो रे देखिबा सुदशा व्रतर संपूर्ण बही कथा। तेबे चालंतु डेरी न करी वीडियो स्टार्ट करिबा। सुदशा व्रत कथा। लक्ष्मी पद्म मने कदम्ब कुसुम श्री विष्णु वक्ष स्थले दंपत्य वर्धने नरेन्द्र भुवने दुर्गांगना सुवने मातंगे दुरंगे वृक्षे च धवले गोष्ठे सुगंधालये सर्वत्रैव विराजिता गुणमयी सीते शुभे वासनी। दिने वैवस्वत मंत्र पूछा कले हे अगस्ती मते पद्मपुराण कहिबा हो। अगस्ती कहिले महालक्ष्मी कथा सुनिले बहुत पुण्य हेब धन जन आयु बल स्त्री सुलक्षणी होइब। सुतमुनि कहिले से कथा मते कुहंतु। अगस्ती कहिले सत्ययुगरे वीरविक्रम नामे जने राजा थिले। राणीक नाम रत्नावती मंत्रीक नाम त्रिकुटेश्वर ओ मंत्री पत्नी को देखिले स्वर्गरु देवकन्या माने आसी पूजा करुछंती। ताहा देखी दुई सखी देवकन्या मानंकु पचारिले ए तुम्हार कि व्रत। देवकन्या कहिले ए आमर सुदशा व्रत। एही व्रत कले मनवांछा पूर्ण होई तुम्हें एही व्रत कर मर्त्यपुरारे विख्यात हो। पद्मावती और रत्नावती कहिले यार विधान आंभक कह। देवकन्या कहिले ए व्रत अगस्ती आंभक कहीथिले जेउ दिन शुक्लपक्ष दशमी गुरुवार से दिन लक्ष्मी का सुदशा व्रत होई तहिरे विधि विधान शुण। दस केरा दुब हलदी चूर्ण दस गोटी गुआ दस बर्णर पुष्प शुक्ल पंचवर्ण रक्त पंचवर्ण पाटसूता दशक्षय त्रिगुण कर बलिब न मिलला प्राय शुक्ल सूतारे तहिरे दस गोटी गंठी पकाइब। महालक्ष्मी को स्मरण कर गुआ घृतरे दशक्षय सूता बलिता कर दीप जाणीब। छेना नड़िया मुग जीरा कर्पूर दे विधि मते दस गोटी गंठी पकाइब। पूजा स्थान पद्म एक लेखि आचार्य वरण कर पद्मपुराण कथा शुणब। पूर्वोक्त कथा कहू अच्छी शुण। वीर विक्रमादित्य नामे राजा राणी नाम सुलक्षण और मंत्री भार्यार नाम दुलणी ए दुहे परलोक हेलारु जमराजा एमानंक पाप पुण्य विचार करिवारु मंत्री भार्या बड़ हेला। राणी कहिले मु किछि पाप करिनाही काहेकि पावच्छ तले रहिली। से कहिले तू लक्ष्मी व्रत करिनाहु। से लक्ष्मी का व्रत करिवारु स्वर्ग को गला। तू एही कले स्वर्ग को जीवु। राणी स्वीकार करिवारु जमराजा पुनरपि एमानंकु मर्त्यरे जन्म देले। एका नगररे दुहे मैत्र होइ रहिले। एदंतरे ज्येष्ठ शुक्ल दशमी गुरुवार हेला। मंत्री भार्या राणी को कहिले आज सुदशा व्रत हेउछि। राणी एक कथा राजा को कहिले। राजा शुणी नगर रे झुटी दियाई दिव्य चांदुआ टाणिले। राणी सुदशा व्रत करुछंती शुक्ल पाटरे व्रत करी महालक्ष्मी नामधारी गंठी पकाइले। ए रूपे दस गंठी प्रथमे महालक्ष्मी द्वितीय कमला तृतीय पद्मा चतुर्थे हरिप्रिया पंचमे दारिद्र्य भंजनी षष्ठे कमदिनी सप्तमे गजवाहिनी अष्टमे चंचला नवमे जानकी ओ दशमे रुक्मणी यहाँ नाम धरी दस गोटी गंठी पकाइले। ब्राह्मण वरण करी कथा शुणिले व्रत हस्तरे बांधि प्रसाद सेवन करिब। किछि दिन अंते मंत्री भार्यांक व्रत हजिला। व्रत न पाई तीन दिन उपवास रहिबारु तांको देह क्षीण हेला। मंत्री राजांकु कहिले हे राजन मो पत्नी मरुअछि। राजा कहिले काहेकि। मंत्री कहिले तांको सुदशा व्रत हजिबारु न खाई क्षीण हेलेनि। केहुठारु पुरुणा व्रत गोटिए पाइले से अन्न खाइबे। राजा कहिले से व्रत किए करिछंति कुह मु आनी तुमको देबी। मंत्री कहिले आपणंक राणीकर अछि। राजा राणीक पाखकु जाई ए समस्त विषय कही राणी को एक पुराणा व्रत मागिले। राणी कहिले आपणंक राणीकर अछि। राजा राणी को पाखकु जाई ए समस्त विषय कही राणी को एक पुराणा व्रत मागिले। मु कदापि ताकु व्रत देबी नाही। राजा बहुत बुझाइले सुधा राणी व्रत देले नाही। से कहिले मु व्रत देले मोर सकल संपत्ति जाक तांकर होइबो। राजा कहिले सकल संपत्ति पछे मंत्रींकर हेउ तुम्बे व्रत एबे दियो। राणी व्रत न देबारु राजा बलात्कार तांको हस्तरु छड़ाई नहीं मंत्री को देले। मंत्री व्रत नहीं तांको पत्नी को देले। से स्नान करी शुक्ल पाटपतनी पिंधि देई महालक्ष्मी को स्मरण करी व्रत हस्तरे बांधिले। तापर से अन्न भोजन कले। अल्प दिन अंते राजांकर राज्य संपत्ति सबू च्युत हेला। पात्र अमात्य माने भंडार
जोर कले राजा धन मागंती तुम्हें धन न देले राज्य छाड़ आम्भे अन्य राजा कराइबु। राजा एक राणी को कहिबारु राणी कहले हे देव मते छाड़ी करी जीव नाही मु तुम्ह संगरे थिले सकल दुख सुख मेंटाइबी। केते दिन पर राजा नगर रु बाहर होइले राजांक दुई पुओ और राणी जाई जछंती पुत्र को बहुत कष्ट हेबारु महालक्ष्मी माया करी राजारानीकर पाखरु घेनी जाई साधव घरे रखी अंतर्ध्यान हेले। एणे राजारानी अरण्य को गले किछि खाइबा को मिलिला नाही फल मान सब अदृश्य हेला। क्षुधारे गोटे पुष्करणी कूले प्रवेश हेले राणी कहिले मु मलुख तंडुल माणे आनी अछि। राजा कहिले मते बहुत क्षुधा हेलानी मुठाई रंधन कर दियो। राजा पुष्करणी को गले देखिले मल्ला महालक्ष्मी मायारे दुईटी मल्ला माछ पड़ी से माछ दुईटी को आनी राणी को दे कहले ए माछ को पोड़ी देव। राणी विचार कले राजा स्कंदरु लक्ष्मी छाड़ जीवार एमंत हुई राणी अग्नि रे माछ पकांते से माछ लक्ष्मी मायारे अग्नि रु जाई पानी रे पड़िले। राणी यह देखी विस्मय हेले ए कि विपरीत। राजा स्नान सारी आसिबारु राणी कहले मल्ला माछ केमंत जीवित जीवन पाइला यह विपरीत अटे तुम्भे माँ ठारे माया कल अन्न भुंजी बनरे जाऊछंती जाऊ जाऊ कमलिनी देश पड़िला सेठारे गोटे शाड़वृक्ष देखी राजारानी रहिले। राणी महालक्ष्मी को चिंता करी स्तुति कले से स्तुति रे महालक्ष्मी संतुष्ट होई तांको पछरे अदृश्य रे रहिले। तहु कमलिनी नगर रे प्रवेश हेले से नगरे साधव मंडप को गले। राणी अन्य बाटे पुष्करिणी कूल रे प्रवेश कले। राणी सर्वशून्य देखी क्रोध कले से दिन शनिवार सप्तमी साधी भार्या सात बहु नाति नातुणी घेनी पुष्करिणी रे स्नान करुछंती। राणी को देखी कहले माए तुम्हें काहू अइल। राणी कहले मो दुख अनेक। साधवाणी कहले तुम्हें माम घरे रहिब कि। राणी कहले जेबे तुम्हें रखिब तो आमे रहिबु तुम्हें सत्य कर तेबे रहिबी। एहा सुनी साधवाणी कहले मु सत्य कली कह। राणी कहले मो उच्छिष्ट पालटा छुआइब नाही। साधवाणी कहले मोर अनेक दासी अच्छा तुम्हे मो पालटा धोब ना मो झीं संगे झीओ हो रमंत शुणी राणी साधव घरे रे। एणे राजा को साधव कहले हे महात्मा तुम्हें काँ अल। राजा कहले भाई हे किंपा संकुल मते घर खंडीए देले आम भिक्षा मागि रहीबु। साधव कहले आम राज्य में कहीं भिक्षा मागती ना तुम्हे मूल लग पार कि। राजा कहले मूल लगिले हेब कि। यह शुणी राजा को घर को नेले। साधव घरे राजा निरीक्षण पणे रहिले। राणी परिजन हो रहिले। श्री लक्ष्मी कृपा एपरी किछि दिन अंते साधव भात तीयण नाना वर्णर करी एका बेले राजा को दे कहले हे महात्मा यह धरी बिल को जीवा। राजा भात तीयण मुंडेरे धरी बिल को जाऊ एपरी समय रे लक्ष्मी माया कले। राजा मुंडरु बोझ फोपड़ाई देवारु से सबु नष्ट हेला। लक्ष्मीधर कहिले महात्मा तुम्हें बड़ पापी अट। यह निरेखी चाहिले देखिले राजा विद्याधर प्राय दिशुछंती। अन्य भात तीयण नहीं राजा को संगरे नहीं घर को गले। एमंत किछि दिन परे ग्रहण पड़िला। समस्ते नदी को स्नान करने को गले। साधवाणी राणी को कहले चलो आम्बे नदी में स्नान करवा। राणी कहले तुम्हें समस्ते जाओ मुझे जीवि। साधवाणी झीओ और बोहू गंता घर अलंकार फरुआ आनी राणी को देगले। राणी बसी अंटारू खड़ी काढ़ी पितुला लेखिले। लक्ष्मी मायारु से पितुलारू गोटे हंस बाहरी से फरुआ को गेलिला। राणी यह देखी विस्मय होती एक विपरीत एपरी समय रे साधवाणी नदी स्नान सारी आसी राणी को अलंकार फरुआ मागिले। राणी कहले तुम्हार फरुआ ए चित्र पितुला गेलिला। साधवाणी भाविले ए लक्ष्मी छड़ा हो ए लक्ष्मी दोहरा पुणी आउ एक अलंकार फरुआ आनी लगे। किछि दिन अंते माघ शुक्ल दशमी गुरुवार सुदशा व्रत पड़ा। साधवाणी महाआनंदर मनरे घर लिपा पोछा कर स्तंभ मानक शुक्ल पाट बेढ़ाई फुल चांदुआ बांधि लक्ष्मी को खटुड़ी रे विजे कराइले। दशनाड़ दुब दशगोटी तंडुल शुक्ल पाट सूतारे दस हाथ दस क्षीय तीन गुणे कर दशगोटी गंठी पकाइले। लक्ष्मी व्रत बोली आनंद होती। यह देखी राणी साधवाणी को पचारे माँ ए उत्सव कौन। साधवाणी कहले आज सुदशा व्रत शुक्लपक्ष दशमी गुरुवार हेले ए व्रत हुए। राणी पचारे ए व्रत काहीं करती। साधवाणी कहले ए व्रत कले मनवांचा सिद्धि हुए तुम्हें आम घरे यही व्रत कर। राणी स्वीकार करी व्रत पाले। तापर साधवाणी खटुली रे महालक्ष्मी को शुक्ल पाटके
पहुड़ी नेतरे मुतुली देई विजे कराइले। ब्राह्मणों को बरण करियाणी सुदशा व्रत कथा सुनी हुळहुळी देले। जे जहाँ मनरे ध्यान कले राणी क्रंदन करी निजर मनवांछा जणाई महालक्ष्मी को ध्यान करूछंती। हेमंत बोली राणी रोदन करी से स्तुति कले। भो त्रैलोक्य पालिनी जगत जननी हरि प्रिया परम वैष्णवी जगन्नाथ वल्लभी कृष्ण वल्लभी दारिद्र्य भंजनी सिंधु नंदिनी जनक कुमारी माग मते करुणा कर। ଏହି ସ୍ତୁତିକୁ ଶୁଣି ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇ ସ୍ୱପ୍ନପ୍ରାୟ ରାଣୀଙ୍କୁ ଚେତାଇ କହିଲେ, ମୋର ବ୍ରତ ଦେବୁ ନାହିଁ। ତେଣେ ରାଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏପରି କହିଲେ, ପୁଣି ରାଜ୍ୟରେ ରାଜାରାଣୀ ହେବ ବୋଲି କହି ମାଏ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। କଥା ସରିଲା ଯେ ଯାହା ଦୁବ ଚାଉଳ ଘେନି ବ୍ରତ ହାତରେ ବାନ୍ଧି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କଲେ। ତେଣେ ଯେ ରାଜକଟକ ହତପାତ ହୋଇଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନଗ୍ରରେ ଉଚ୍ଛାଟ କରିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଁ ରାଜା ହେବି କହିଲେ। ଏପରି ସମସ୍ତେ ଗୋଳ କରିବାରୁ ସୁଜାଣେଶ୍ୱର ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ କାହାରିକୁ ରାଜା କରି ନ ପାରୁ। ମୁଁ କହିବି କହିବା ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭେ ପାଟହସ୍ତି ମୁଣ୍ଡରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଳସ ଦେଇ କହିଲେ, ଭୋ ହସ୍ତି ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଯେ ଯୋଗ୍ୟ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଏହି କଳସ ଢାଳିବ, ତାକୁ କାନ୍ଧରେ ବସାଇ ଆଣିଲେ ସେ ରାଜା ହେବ। ଏହିପରି କହି ହସ୍ତିକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଳସ ଦେଇ ସମସ୍ତେ ପାଦେ ପଡ଼ି ଶୋଇଲେ। ରାଜା ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ହସ୍ତି ସାଧବ ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ। ହସ୍ତି ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କଳସ ଢାଳିବାରୁ ଲୋକେ ପୁନରପି ତାଙ୍କୁ ରାଜା କରାଇଲେ। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାଧବ ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ। ରାଜା ଡଗରକୁ କହିଲେ, ସାଧବକୁ ଘେନି ଆସ। ସାଧବ ଭୟରେ ଲୁଚିବାରୁ ଡଗରମାନେ ଖୋଜି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଡଗରମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଆଗେ ଜଣାଇଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସାଧବଙ୍କୁ ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ରାଜା କହିଲେ, ସାଧବ ମୋର ବହୁତ ଉପକାର କରିଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମାନ୍ୟ କରି ଏଠାକୁ ଘେନି ଆସ। ଡଗରଙ୍କ ମୁଖରୁ ସାଧବ ଏ ଉପକାର କଥା ଶୁଣି ରାଜାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଯାଇ ବିନୟରେ କହିଲେ, ମୁଁ ବହୁତ ଅପରାଧ କରିଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ରାଜା କହିଲେ, ତୁମର ଉପକାର ସୁଝିପାରିବି ନାହିଁ, ଚାଲ ଆମ୍ଭ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ସାଧବ ରାଜାର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। ରାଜା ହସ୍ତିରେ ବିଜେ କଲେ, ରାଣୀ ଓ ସାଧବାଣୀ ହନ୍ଦଳରେ ବିଜେ କଲେ। ଯାଆନ୍ତେ ଦେଖିଲେ ସେ ପୁଷ୍କରଣୀ କୂଳେ ଦେଶ ଦୁଇଟି ମଲା ମାଛ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଦେଖି ରାଜା ହସିଲେ। ତହୁ ଯାଆନ୍ତେ ବାଟେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରୂପେ ଆସି ରାଜାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦୁଇଟିକୁ ଦେଇଗଲେ। ପୁଅକୁ ଘେନି ଆପଣା ରାଜି ପ୍ରବେଶ ହେଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାଧବଙ୍କ ପାଇଁ ଉଆସ ତୋଳାଇ ଦେଲେ। ଏମନ୍ତ କେତେଦିନ ପରେ ରାଜାରାଣୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆମ୍ଭେ ରାଜ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲେ ହେଁ କି ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ ପୁଣି ଏ ରାଜ୍ୟ ପାଇଲେ? ରାଣୀ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ମୋ ବ୍ରତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେବାରୁ ଆମ୍ଭେ ହତଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଇଗଲେ, ପୁନଶ୍ଚ ବ୍ରତ କରିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ରାଜ୍ୟ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ଏ ବ୍ରତ ବିଧାନ କରିବା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆସି ପଦ୍ମପୁରାଣ କଥା କହିଲେ, ଯେଉଁଦିନ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ ଗୁରୁବାର ପଡ଼ିବ ସେଦିନ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ହୁଏ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା କରିବା। ବ୍ରତର ବିଧାନ, ଦଶ ନାଡ଼ ଦୁବ, ଦଶ ଗୋଟି ତଣ୍ଡୁଳ, ଦଶ କ୍ଷୀୟ ସୂତା ତ୍ରିଗୁଣ କରିବ, ଦଶ ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ପ ଓ ମଣ୍ଡା ଦଶ ଗୋଟି କରିବ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଉଦ୍ୟାପନା କରିବ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବର୍ଷ ଉଦ୍ୟାପନା ପାଳିରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଦଶ ନାଡ଼ ଦୁବ ତଣ୍ଡୁ ପାଣ୍ଡୁର ପଇତା ବ୍ରତ ଦଶ ଗୋଟି କର କଜଳ ପାତି ନୂଆ କୁମ୍ଭ ଦଶ ଗୋଟି ଏମନ୍ତ ସମସ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣର କରି ଉଦ୍ଯାପନ କରିବ। ରାଜା, ଏମନ୍ତ ବିଧାନରେ ବ୍ରତ କଲେ ସକଳ ସିଦ୍ଧି ହୁଏ, ବ୍ରତ କରି ଉଦ୍ଯାପନ ନ କଲେ ବଡ଼ ଦୋଷ ହୁଏ। ରାଜା ଏ ବ୍ରତ କରିବାରୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଏକ ଦ୍ୱୀପରୁ ସପ୍ତଦ୍ୱୀପ ଯାଏଁ ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ରାଜା ହୋଇ ସୁଖରେ ରାଜ୍ୟ ପାଳିଲେ। ଯେ ଏ ବ୍ରତ କରନ୍ତି ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ପଦ ପାଆନ୍ତି, ଯେ ପଢ଼ନ୍ତି ଓ ଶୁଣନ୍ତି ସେ ଦରିଦ୍ର ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସୁଦଶା ବ୍ରତ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଏହି ସୁଦର୍ଶ ବ୍ରତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହି କଥାଟି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ଆଜି କିଏ ନୂଆ ଥିବେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିବେ। ତ ରହୁଛି, ପୁଣି ଲେଖି ଆସିବି ମୁଁ ଏମିତିଆ ଭିଡ଼ିଓ।